मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। और ब्लॉग काफ़ी दिन बाद आ रहा है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे तो वो हो चुके हैं। कुछ खबरी की बात है और अभी हम पहुंच चुके हैं हमने घर से बाहर कुछ करने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए, मगर ये नहीं पता क्या करना चाह रहे हैं, देखते क्या होता है। और भाई जैसे कि आपको पता है गर्मियों का टाइम आ चुका है और गर्मी इतनी तकड़ी हो रही है ना भाई साहब, क्या करें। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ तो मेरा सर के ऊपर इतनी तकड़ी गर्मी पड़ रही है, मतलब शरीर जलने के लिए तैयार हो रहा है। मगर कोई बात नहीं, हमारा काम आपको दिखाना और इंटरटेन करना तो वही हम करेंगे। और एज यूजुअल मेरे दोस्त आए मेरे साथ और चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या रिकॉर्ड बाद में। महादेव जो क्रिकेट स्टेडियम है हमारे यहाँ कोटद्वार में, तो वहाँ आ चुके हैं और वहाँ पहली बार महिलाओं का क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह हो रहा है, तो वहाँ आए और दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे उनकी पारी वगैरह खेली जा रही है। तो इस मैच के देख के पता लग रहा है कि जो हमारी उत्तराखंड की महिलाएँ हैं वो भी कहीं ना कहीं जागरूक हो चुकी है क्रिकेट के लिए और बहुत तगड़ा खेल रही है। अभी मैं आपको दिखाऊँ कैमरे के जरिए, अब तो हमने देख लिया थोड़ा बहुत, मगर आपको दिखाऊँगा कि भाई कितना दम है और ऐसे प्रोत्साहन करते रहना चाहिए लड़कियों की। दोस्तों देख सकते हैं आप कितना बढ़िया स्टेडियम और सफाई का बहुत अच्छा तरह से ध्यान, अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। बगल में ही हमारे महादेव का मंदिर है, उस मंदिर के आधार पर ही इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। और यहाँ देख सकते हैं आप मैच चल रहा है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप बहुत तगड़ा खेल लिया भाई, मतलब लड़े ऐसे तो यहाँ के लौंडे भी नहीं खेले जैसे यहाँ की लड़कियाँ खेल रही। लगता है कि कुछ स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह लेके आती हैं। बच्ची कितनी टीम आ रही है, जितने टीम है उतने झंडे यहाँ पे। आप देखते एकदम प्रोफेशनल वे में गेम चल रहा है और बहुत तगड़ा खेले लड़के, खासकर हमारे गढ़वाल की। लैग हो गया अब आ गए। तो आपने देखा कि लड़कियों का मैच और बहुत तगड़ी बॉलिंग और बैटिंग करा रहे थे भाई। जैसे तो आज तो मुझे भी नहीं आता खेलना क्योंकि मैं आज तक खेला ही नहीं, मगर वो भाई जो लड़कियाँ बहुत कम खेलती है, मतलब लड़कों से ज़्यादा कम प्रैक्टिस करती है, बहुत अच्छा खेल रही थी। और अभी ओवर हो चुका है, सेकेंड इनिंग की तैयारी हो रही है और हमें लग रही है दूर बाकी मैच चलता रहेगा। और हम सिर्फ आपको दिखा रहे थे कि भाई कैसे कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। बाकी चलते हैं और दिखाते आपको आगे तक ब्लॉग में, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। Mm-hmm.
छोटे ढांग का जो टूटा हुआ जिसे काफ़ी टाइम हो गया, साल भर होने को आया है, और टूटा हुआ था और हमारी जो दुकान टूट गई थी उन्होंने अभी मतलब एक महीने पहले या पिछले साल घोषणा वगैरह कर दिया। हमने वीडियो में देखी होगी कि भाई पुल का निर्माण के लिए इतना बजट आया और जल्द जल्द पुल का निर्माण शुरू होगा। फिर मैंने वीडियो बनाई थी शिवरात्रि के दिन की, भाई अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, मगर अब जाके थोड़ा हलचल दिखाई दी और अब जाके कुछ रिस्पॉन्स आया। देख सकते हैं आप पुल को, पुल में पता नहीं कुछ ऐसा कुछ काला काला से बिछाया है, मुझे लगता है कि जो ऊपर की लेयर थी उसे तोड़ दिया गया है। और उधर आप देख सकते हैं मशीन वगैरह रखे हैं और ये हलचल थोड़ी दिखाई दी गई है। लगता है कि पुल इस साल तक बन ही जाएगा क्योंकि भाई बजट बहुत मोटा पास हुआ है। और देख सकते हैं आप उधर भी अपने काम पे लगे हैं, प्रगति में काम चल रहा है उधर साइड। टैगर और मजदूर वगैरह जो हमारे लेबर वगैरह उधर की साइड लगी है वो पुल के उधर की साइड। और देख सकते हैं भाई आप, ये थोड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। और अभी हम घर ही जा रहे थे तो हमें दिखा यहाँ पे, तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये बिछाए हैं कि तोड़ा नहीं, जो पुल की ऊपर वाली लेयर थी तो तोड़ दिया गया है। और इधर की साइड कुछ हलचल तो दिखी है दोस्तों। और आगे आगे हमारे विजय भाई मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा। दोस्तों पुल के उधर की साइड देख सकते हैं आप, काम चल रहा है और जल्दी पुल आपको बना हुआ दिखाई देगा। साल भर तो लगेगा ही दोस्तों क्योंकि भाई पुल जो इतनी भयंकर तरीके से टूटा है उसे दोबारा रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर थोड़ी दरार वगैरह होती तो बात कुछ और, जैसे कि ये है इसे रिपेयर करने में कुछ टाइम तो लगता है, मगर जो पुल था काफ़ी टाइम से नीचे है तो उधर से काम शुरू होना शुरू हो गया, कुछ हलचल दिख रही है और बाकी अपडेट हम देते रहेंगे आपको। बाकी चलते हैं और घूम रहे हैं हम दोस्तों, तो कुछ खास हो नहीं रहा है, सिर्फ आपको महिला क्रिकेट दिखाया और थोड़ी बहुत बैटिंग वगैरह दिखाई थी उनकी क्योंकि टीम बहुत ज़्यादा थी और बैटिंग उनकी थोड़ी मतलब टाइम काफ़ी था, तो इतना टाइम हम पे था नहीं, टाइम की किल्लत होते हुए। बाकी चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि कोटद्वार में क्या क्या हो रहा है, बने रहिए वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और हमारे विजय भाई गहराई चेक कर रहे हैं पुल की, पत्थर डाल के गहराई सही है विजय भाई। मेरे दोस्त शॉर्ट्स बनाने की सोच रहे हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम शॉर्ट्स क्या टिकटॉकर है, प्रोफेशनल ही टिकटॉकर। देखो अभी दिखाएंगे अपना जलवा। दोस्तों यहाँ मेरा दोस्त झाड़ी में बैठा है पोज मारने के लिए और यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा फोटो शूट चल रहा है और मेरा दोस्त कहाँ बैठा है पोज मारने के लिए, क्या खींचे भाई फोटो। और हमें काफ़ी टाइम हो गया फोटो शूट करते हुए क्योंकि हमें ब्लॉग बनाना था, बहुत बोर हो गए हैं तो फोटो शूट चला, थोड़ा दोस्त के साथ थोड़ा इन्जॉयमेंट तो हमने जो फोटो शूट है कंप्लीट कर चुका है। और अभी क्या कहना चाहेंगे विजय भाई आप? अभी हमने जूस वगैरह पिया और ये विजय भाई गन्ने चुरा के ले गए। देखो विजय भाई फ्री का गन्ने ने